ओके लुक एट दिस, ये पढ़ा रहा हूं मैं अभी, सिक्स और मोर प्राइजेस हुआ तो हाउ टू कैलकुलेट मीडियन एंड व्हाई टू कैलकुलेट मीडियन, व्हाट इज द रेंज कॉन्सेप्ट, वो सब तो उसके उसके लिए एग्जांपल रेडी है। थोड़ी देर तक है ना मैं कुछ मैकेनिकली सॉल्व करूंगा एंड आफ्टर अराइविंग एट द आंसर उसके बाद मैं लॉजिक बता पाऊंगा, और लॉजिक में मैं चाहूंगा पहले तुम लोग गैस करना एंड फिर मैं बताऊंगा देखो इसका लॉजिक ये है। लेकिन थोड़ी देर तक ऐसे मैथ सब लोग ने कितनी बार रट्टा मार के ऐसे मैकेनिकली फॉर्मूला सॉल्व किया होता है, वैसा लॉजिकल वे में मत जाओ, मैकेनिकली एक बार समझ लो एक बार, देन लॉजिक लास्ट में। नहीं तो बीच में एक साथ में बताना पॉसिबल है क्योंकि लॉन्ग प्रोसेस है। पहले ये देखो एग्जांपल देखना मैंने क्या लिया है। एक्चुअल परचेज प्राइस मतलब क्या, एक्चुअल मतलब एसोसिएटेड एंटरप्राइज के साथ जो ट्रांजेक्शन हुआ चीटिंग वाला। मीन्स इमेजिन करो हम लोग ने हमारे एई से कुछ प्रोडक्ट परचेज किया है, अपना एई फॉरेन में, हम लोग इंडिया में, एंड वी परचेज एट अ प्राइस ऑफ $17। लेकिन सिंस ये प्राइस एई के साथ ट्रांजेक्ट किया हुआ है ना, तो इस पे गवर्नमेंट शक करती है, एई प्लस आईटी शक की निगाह से देखो। और ये परचेज मैंने अपने एसोसिएटेड एंटरप्राइज से किया, वो भी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन है, तो दिस इज ट्रस्ट वर्दी के शक वर्दी, शक वर्दी बिकॉज दिस इज अ ट्रांजेक्शन विद एसोसिएटेड एंटरप्राइज। तो हम लोग क्या करते हैं, आउटसाइडर्स अनकंट्रोल्ड ट्रांजेक्शन का प्राइस उठाते हैं ना। तो ये देखो अपने पास है ना 8 ऐसे अनकंट्रोल ट्रांजेक्शन मिले। अनकंट्रोल्ड मतलब जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, यही से $17 पे खरीदा ना। लेकिन अगर किसी और से मैं खरीदता, कोई और मतलब अनरिलेटेड पार्टीज, तो देर आर 8 वेराइटीज ऑफ प्राइजेस। मतलब किसी से $12 में खरीदता हूं तो किसी से $14, और 12 और 14 को देखते तो लगता है तो कुछ ज्यादा ही बता रहा चीटर। परचेज में ज्यादा दिखाना चीटिंग होता है, परचेज बिकम्स योर एक्सपेंस, इट रिड्यूसेस द प्रॉफिट, एंड फिर 20 को देख के लगता है बराबर दिखा रहे तो। अरे मतलब ये सब सच्चे प्राइजेस है, लेकिन सच्चे प्राइजेस में भी फुटपाथ है, ये भी सच्चा वो भी सच्चा, 8-8 सच्चा, एंड ऑल आर ट्रस्ट वर्दी क्योंकि दे आर ऑल अनकंट्रोल्ड ट्रांजेक्शन का प्राइस विद अनरिलेटेड पार्टीज। ये शक वर्दी है लेकिन ये तो ट्रस्ट वर्दी है। बट प्रॉब्लम क्या है, इधर 8 वेराइटी आ गई, फील करो 6 और मोर, कैन यू सी 8 सीरियल नंबर 8, तो इट इज 6 और मोर वेराइटीज। तो ऐसे में पता है क्या करना चाहिए, पहले तो वही एड ओलेस एडजस्टमेंट्स। अरे डायरेक्टली अपने नहीं कर सकते कुछ भी, मीन मीडियन मोड जो भी बोलते हो, फर्स्ट वी हैव टू डू एड ओलेस एडजस्टमेंट। जैसे इसमें भी कैसे किया था मैंने, मीन में पहले एड ओलेस एडजस्टमेंट्स किया, फिर 4 अमाउंट का फिर एवरेज निकाला ना, तो इधर भी पहले एड ओलेस एडजस्टमेंट्स वाला कार्यक्रम करना पड़ता है। लेकिन लेट्स अज्यूम वो हो चुका है। अब ये अपने पास है ना फाइनली 8 ALPs आ गई, अब इसमें से चुनना किसको है। तो सी स्टेप 1, अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर, चालू हो गया एक्सप्लेनेशन अभी। स्टेप 1, अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर, तो पहले मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करूंगा। अभी देखो ये आंसर चालू हो रहा है, यहां तक क्वेश्चन था ना, ये दिस वॉज पार्ट ऑफ क्वेश्चन, अभी आंसर चालू हो रहा है। पहले क्या करना, अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर, करो असेंडिंग ऑर्डर में। अरे एकदम छोटे से बड़ा, सबसे छोटू कौन है, 6, फिर 8, 10, 12, 14, 16, 18 एंड 20। तो सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो। मैंने क्या बोला, हर चीज का क्यों बाद में बताऊंगा, अभी ऐसे ही रूल है बस, असेंडिंग ऑर्डर। ओके नेक्स्ट स्टेप, स्टेप 2 आ गया है, कैलकुलेट 35th परसेंटाइल। क्या बोला, 35th परसेंटाइल। ये देखो नेक्स्ट स्टेप है 35th परसेंटाइल, 35th परसेंटाइल। सी सुन के थोड़ा हाई फाई लगी, ट्रस्ट भी लॉजिक बताऊंगा ना एकदम इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा, बट वर्ड थोड़े हाई फाई है। कैलकुलेट 35th परसेंटाइल, अब ये कैसे निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ प्राइजेस इन द डेटा इनटू 35%। देर आर हाउ मेनी प्राइजेस इन माय डेटा, अरे 8 लिखा है ना, 8 वेराइटीज है ना, तो देर आर 8 नंबर ऑफ प्राइजेस। अरे नंबर कॉलम बोल रहा हूँ, नंबर में कितने, 8 आइटम्स है ना, तो 8 का 35% निकालो।
अरे 8 का 35% कितना आया? 2.8। तो 2.8 को क्या बोलते हैं? 35th परसेंटाइल। बट पता, ये सीरियल नंबर कॉलम था 8, तो अपने को है ना, ये 2.8 है ना, सीरियल नंबर आया कोई, बट सीरियल नंबर 2.8 नहीं हो सकता, इट कैन नॉट बी इन डेसिमल्स। अरे सीरियल नंबर 1, 2, 3, 4 ऐसे 8 है ना, इट कैन नॉट बी इन पॉइंट्स। तो इसको पॉइंट है तो राउंड ऑफ करना पड़ता है, एंड ऑलवेज राउंडेड ऑफ टू द नेक्स्ट हायर नंबर। ये क्या लिखा है? अप्रोक्सीमेटेड टू द नेक्स्ट हायर नंबर। 2.8 का नेक्स्ट हायर नंबर क्या है? 3। तुम लोग ध्यान से सुन रहे हो, नेक्स्ट हायर नंबर, नेक्स्ट मतलब 2.1 भी होता है ना तो भी 3, कुछ भी 2.anything गो टू 3। नेक्स्ट हायर, नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट हायर नंबर, तो ये 3 आ गया। लेकिन भूलो मत, ये सीरियल नंबर कॉलम से उठाया था, 8 था, तो इसको सीरियल नंबर कॉलम में तलाशो, तलाशो सीरियल नंबर कॉलम में 1, 2, 3, ये देखो 3 मिला, देखो ये सेम 3 है ना, तो इसकी ठीक लाइन में ना असेंडिंग ऑर्डर वाला 10 इसको चुन लिया। इसको क्या बोलते हैं उनमें? वैल्यू ऑफ 35th परसेंटाइल। 3 वॉज दी 35th परसेंटाइल, बट दैट वॉज सीरियल नंबर ना, उसका वैल्यू, वैल्यू मतलब प्राइस क्या है? 10। तो ये वैल्यू ऑफ मतलब ये भी 35th परसेंटाइल, ये भी है, लेकिन इसको तो क्या, हाँ ये 35th परसेंटाइल है सीरियल नंबर 3, लेकिन उसकी जो वैल्यू क्या है? 10 है ना। सिमिलरली वी विल फाइंड आउट 65th परसेंटाइल, सेम मैनर, इज इक्वल टू 8 × 65%। करो फटाफट, 5.2। अब मैंने क्या बोला, जो भी एनी डेसिमल यू गेट, यू टू गो टू द नेक्स्ट हायर नंबर। तो ये देखो, ये साइन किसकी? अप्रोक्सीमेटेड टू द नेक्स्ट नंबर, दैट इज 6। लेकिन ये सीरियल नंबर होता है, इसको सीरियल नंबर कॉलम में ढूंढो किधर है, 6 किधर है, ये देखो ये रहा 6। ये देखो पहले इसको चुना था ना, अभी ये 6 को चुनना है, देखो 6 को अंडरलाइन भी कर दे, देखो ये, अब इसके ठीक सामने ये मत देखना, असेंडिंग ऑर्डर में से, तो कितना आया? 16। तो ये क्या था? 35th परसेंटाइल का वैल्यू, ये क्या था? 65th परसेंटाइल का वैल्यू। अबे ना, इसको बोलते हैं रेंज, क्या बोलते हैं? रेंज था ना, रेंज कॉन्सेप्ट, रेंज। यू नो नाउ व्हाट यू विल डू, यू विल चेक अपना जो $17 का प्राइस है, 17 क्या था, भूल गए तुम लोग, 17 क्या था? दिस इज द प्राइस एट विच आई एक्चुअली परचेज द गुड्स फ्रॉम माय एसोसिएटेड एंटरप्राइज। तो ये 17 है, तो ये 17 को इसके बीच में ढूंढो, ढूंढो नहीं, को ढूंढने की एक्टिंग करो, 17 है अंदर, 17 है नहीं है, अगर इसके अंदर 17 बैठ गया ना, तो ये सच्चा प्राइस है, तो इस पे ट्रस्ट कर लो। प्राइस डिक्लेयर्ड बाय असेसी शैल बी एक्सेप्टेड, ALP गोस टू बाय ऑयल, तेल लेने गया सब, ALP, फिर उसने जो दिखाया वो सच है, अरे फिर उस पे शक मत करो, जो है वो मान लो, लेकिन कब, कब? अगर $17 ये रेंज के अंदर फिट हो जावे तो, मतलब पता है ये टॉलरेंस बैंड का भी बाप है, टॉलरेंस बैंड तो खाली 3% डिफरेंस चला रहा था ना, ये तो इतना बड़ा रेंज दे दिया है, आजा 10 और 16 के बीच में, तू जैसा भी हमें स्वीकार है आजा। अरे मैं 17 से बात कर रहा हूँ, 17 सुन, 10 और 16 के बीच में एनी प्राइस एक्सेप्टेबल, मतलब अगर ये सोचो ना, कुछ भी फिगर ले लो, मतलब ये 10 होता, 10.5 होता, 10.8 भी हो सकता था, प्राइस तो पॉइंट्स में भी होता ना, एनीथिंग 10.8, 11.8, एनीथिंग फ्रॉम 10 to 16 इज एक्सेप्टेबल। मतलब इतनी बड़ी रेंज मिली है, और बड़ी रेंज क्योंकि वेराइटी भी तो इतनी है ना, 8-8 वेराइटी है, 6 और मोर मतलब मैनी वेराइटीज आर देयर, और इतनी वेराइटीज में गवर्नमेंट को बड़ी रेंज देनी पड़ती है, और इस रेंज में बैठ गया तो तू सच्चा है, लेकिन लफड़ा क्या है, ये इस रेंज में है कि आउट ऑफ रेंज है, आउट ऑफ रेंज मतलब ये कपटी आदमी है। और उसमें भी देखो $17, देखो कहीं भी फिट नहीं हो रहा है ना, मतलब इस पे ट्रस्ट करना है कि शक करना है, शक करना है, फिर ये शक वर्दी, तो अभी अपने को सच्चा प्राइस ढूंढना पड़ेगा, अब मीडियन निकालना पड़ेगा, मतलब डायरेक्टली मीडियन नहीं निकालना होता है, पहले चेक कर लो ये 35th और
65 परसेंटाइल की रेंज में अगर बैठ गया ना तो खत्म ही हो जाता आंसर, दी एंड, लिटरली दी एंड। कंक्लूजन क्या लिखना चाहिए? सिंस द प्राइस फॉल्स इन द रेंज ऑफ 10 एंड 16, प्राइस डिक्लेयर्ड बाय द असेसी शैल बी एक्सेप्टेड, देयर इज नो नीड टू कंप्यूट एएलपी, मतलब कंप्यूट ही नहीं करना है, ओके। लेकिन इधर ऐसा नहीं है ना, तो अभी मैं एएलपी निकालूंगा। नाउ एएलपी विल बी द मीडियन, और मीडियन क्या होगा, जैसे 35% था ये 65% था, तो ये 50% हो जाएगा, 50% मीडियन इज 50% ना, निकालो इसका 50%, 8 का 50% 4, सी ये पॉइंट में था तो नेक्स्ट हायर नंबर, ये भी पॉइंट में था नेक्स्ट हायर नंबर, ये पॉइंट में कि होल नंबर है, दिस इज होल नंबर ना, ये तो सीधा होल नंबर किधर है ढूंढो, ये सीरियल नंबर है, ये सीरियल नंबर ढूंढो, फोर का है, फोर का है, सीरियल नंबर कॉलो, ये सीरियल नंबर फोर, ये रहा फोर, देखो तो सी फोर सीधा सीधा मिल गया ना, तो अभी इसके सामने क्या है, नहीं अब क्या करना है मैं, ऐसा होल नंबर कभी भी आवे ना, ऐसा होल नंबर आता है ना तो नंबर को देखो पहले, क्या है फोर है ना, तो नाउ सी व्हाट यू विल डू, फोर्थवा प्राइस एंड फिफ्थवा प्राइस का एवरेज, फोर्थवा प्राइस एंड फिफ्थवा प्राइस, मतलब चौथा एंड पांचवा, इंग्लिश में क्या होते हैं फोर्थवा प्राइस एंड फिफ्थवा प्राइस, उसका एवरेज, इन दोनों को एवरेज आउट करो, यानी कि 12 + 14 / 2 That comes to $13. This is the arm's length price. क्यू का जवाब मैं अभी नहीं दे रहा हूं, मालूम है ना अपनी क्या बात हुई थी, पहले मैकेनिकली याद करो ऐसा, फिर इसका लॉजिक बताऊंगा, और लॉजिक भी मुझे तुरंत नहीं बताना, तुम लोग से सोचाना है पहले। देखा मैंने क्या किया, सी इधर पॉइंट्स में भी नहीं था, मस्त अच्छा आंसर आया था, लेकिन बाद में ट्विस्ट क्या है कहानी में, अच्छा खासा फोर आंसर आया था, लेकिन मैंने क्या किया, फोर के सामने वाला न लेके, अरे मैंने क्या किया, फोर के सामने वाला न लेके फोर्थवा और फिफ्थवा उसका एवरेज वा, एवरेज ले लिया मैंने, क्यों किया बताऊंगा, लेकिन एक बार मैं वो खत्म करके दी एंड बहाने दो। अब क्या करेंगे, $13 इज दी एएलपी ना, अब मुकाबला होगा, कंक्लूजन का टाइम आ गया है, $13 एएलपी, इंग्लिश में कैसे बोलते, सिंस एएलपी इज $13 द जेन्यून परचेज प्राइस, परचेज प्राइस का बात हो रहा है देखो, तो सिंस एएलपी इज $13 द जेन्यून परचेज प्राइस इज $13 बट असेसी हैज शोन $17 शोन मोर एक्सपेंस चीटिंग, hence comma the difference of $4 shall be added back to the net profit of the assessee. See, जब भी कोई खर्चा बड़ा चढ़ा के दिखा देता है, नेट प्रॉफिट को ज्यादा ही नेट हो जाता है ना, तो नेटेले प्रॉफिट को एड बैक करना पड़ता है, तो डिफरेंस ऑफ $4 शैल बी एडेड बैक टू द नेट प्रॉफिट ऑफ द असेसी, ये तो कंक्लूजन यूजुअल है। अब बुद्धि लड़ो क्या चल क्या रहे, मेरे को होता ये सुने, अगर ये डेसिमल में आता ना, सुनना ही पड़ेगा सब लोगों को, ये तीनों में ना प्रोटोकॉल सेम है, सुनिए, ये तीनों में प्रोटोकॉल के अनु में डेसिमल में आता है ना, तो नेक्स्ट नंबर ले लो और उसके सामने वाला उठा लो, जैसे 4.5 आता, 4.5 आता तो राउंड नेक्स्ट नंबर क्या 5, तो फिफ्थ वाले के सामने वाला, फिर ये मचमच नहीं है, ऐसा कब करते, फोर्थ वा एंड फिफ्थ वा का एवरेज वा, होल नंबर आया तो, एंड दिस गोज विद तीनों, सी तीनों का कॉमन प्रोटोकॉल क्या है, मैं देखो पॉइंट में है ना तो खुशियां मानो, मैं तो बोल रहा हूं पॉइंट है ना, हाँ तो ठीक है नेक्स्ट नंबर ले लो, फिर उसके सामने वाला पकड़ लो असेंडिंग ऑर्डर में से, सुनो ना पहले बात करने दो, बाद में ट्राई करना तुमको, तीनों में रूल क्या है बताओ, अगर डेसिमल में आया तो नेक्स्ट नंबर ले लो एंड फिर उसके सामने जो है वो पकड़ लो, लेकिन होल नंबर आया तो मगजमारी है, वो मगजमारी इधर भी आ सकती है, लेकिन इधर यूजुअली होल नंबर नहीं आएगा, क्योंकि 35% है, 35% 35 एंड 65 तो कुछ डेसिमल्स में आएगा, बट मान लो इधर भी कोई बोले होल नंबर आ गया ना,
प्रोटोकॉल वही है, होल नंबर आया मतलब टेंशन, फिर वो वाला और अगला वाला का एवरेज हुआ। बट इधर 99% डेसिमल्स में आएगा, बट इधर भी अगर होल नंबर होता तो ऐसा प्रोटोकॉल उधर भी है। ये सब मैकेनिकल बातें हो रही है, फंडा अभी तक समझा नहीं है। दो मिनट मैं चाहता हूं तुम लोग सोचो, ट्राई करो, फिर मैं सिखाऊंगा। एक बार प्रोसीजर देख लिया क्या किया है, नहीं तुरंत आंसर मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा क्योंकि सोचने का मोटिवेशन खत्म हो जाएगा दूसरों का। एक बार देख लो, असेंडिंग ऑर्डर किया था, फिर ये किया, चेक करते हो ना खाली ये कैसे निकाला, समझाना। 35% नेक्स्ट नंबर ये 3 था, उसके सामने वाला ले लिया, फिर ये 6 आया था, उसके सामने वाला ले लिया, फिर मैंने रेंज के अंदर इसको ढूंढा। ये भी भूलो मत, ये एक्टिविटी हुई थी बीच में कि अगर 17 इस रेंज के अंदर मिलता तो LP निकालने की आवश्यकता ही नहीं होती, कंक्लूजन मार देते तू सच्चा है। लेकिन 17 रेंज में था कि आउट ऑफ रेंज, आउट ऑफ रेंज तो LP निकालना पड़ा मीडियन, लेकिन उसमें भी होल नंबर आ गया तो मगजबारी के वो वाले और अगले वाले का एवरेज निकालना पड़ेगा। पॉइंट में आता तो ठीक है, नेक्स्ट होल नंबर मतलब नेक्स्ट हायर नंबर लेके जो सामने वाले ले लेते सीधा सीधा। सुनो इधर इधर देखो, इधर मैं एक्शन से कुछ करूंगा, समझ आएगा। इधर देखो एक बार बोले भी का ट्राई कर दो, समझता है। देखो डम शराट खेल रहे हैं, इतने सारे प्राइजेस है तो पहले उसको छोटे से लेके बड़े तक अरेंज करो, फिर एकदम छोटा छोटा एकदम बड़ा बड़ा प्राइस को फेंक के सेंटर में आ जाओ। असेंडिंग ऑर्डर पता है क्यों किया था, क्योंकि मुझे ना एकदम छोटे से बड़े तक प्राइस आ गया ना तो उसमें एकदम छोटे छोटे प्राइजेस को फेंकना है और एकदम बड़े बड़े प्राइजेस को भी फेंकना है। ये देखो फेंकना मतलब ये देखो इनकी गिनती ने फेंक दिया इनको, हट। एक्सट्रीम्स बोलते इसको, क्या होते हैं एक्सट्रीम्स, वो बोलते ना एकदम छोटा भी सही नहीं है। इन लोग की प्रॉब्लम के कुछ ज्यादा ही छोटा है, इनकी प्रॉब्लम के कुछ ज्यादा ही बड़े, तो एक्सट्रीम्स को निकालना। तो ये देखो, तो मैंने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके एकदम छोटे छोटे प्राइजेस को पहले इग्नोर कर दिया और एकदम हाइपर प्राइजेस को भी हटा दिया। तो ये देखो छोटे हट गए बड़े हट गए तो मैं सेंटर में आ गया। अब ये अप्रोप्रिएट प्राइजेस की रेंज है, ये देखो। फिर देखो मैंने ऐसे ऐसे किया था, अगर इसके अंदर अपना $17 ढूंढ रहा हूँ मैं, 17 ये क्या कर रहा हूँ, ये 17 को ढूंढ रहा हूँ। अगर इसके अंदर 17 मिल गया ना तो परफेक्ट, तू सही है बॉस, ALP गया भाड़ में। अरे क्योंकि ये परफेक्ट रेंज है ना, क्योंकि हमने एकदम छोटों को फेंक दिया, एकदम बड़ों को फेंक दिया, सेंटर में आ गए और उस सेंटर में से अपना 17 आ गया, तो यस ALP का जरूरत ही नहीं है। लेकिन हम लोग ने उसमें 17 को खोजा, ये 10 और 16 है, लेकिन नहीं मिला तो उस पर शक जागा, फिर अपने को करना पड़ेगा। अब सुनो, अभी हाथ में भी बहुत सारे नंबर्स है, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, इसमें से सच्चा कौन है, तो उसका भी सेंटर पकड़ लिया, दैट इज अ मीडियन एंड दैट इज $13, फिर 13 होना चाहिए। अब 35th का मतलब क्या ना, सुनो 35% है, लुक इमेजिन देर आर 100 प्राइजेस, इनफैक्ट वी आर हैविंग 8 प्राइजेस ओनली, लेकिन इमेजिन देर आर 100 वेराइटीज, उसमें से एकदम जो फर्स्ट 35 प्राइजेस है ना, जो लोएस्ट 35 उसको फेंकना है और हाईएस्ट 35 को फेंकना है। ये कितने लोगों को हजम नहीं हो, क्या बोला हाईएस्ट 35, अरे ऊपर के 35 निकालूंगा तो नीचे 65 बचेगा ना यार, नहीं कितने लोग 65 सुनने के लिए वेट कर रहे थे। मैं क्या कर रहा हूँ, 100 प्राइजों में से एकदम छोटा छोटा 35 को फेंक दिया है, तो 35 फेंक दिया, और एकदम बड़े बड़े भी 35 को ही फेंका। अरे 100 में से 35 फेंकूंगा तो 65 बच जाएंगे ना यार, वो चक्कर में 65 है। तो अपना आइडिया क्या था, गिनती रखना, 100 प्राइजों में से प्लीज मेरा साथ दो, छोटे छोटे 35 को फेंका, बड़े बड़े 35 को फेंका, कुल कितनों को फेंका 70, अपने पास खाली 30 प्राइज बचे, मतलब 100 में से 30 बचे, मतलब ये भी गवर्नमेंट ने कितना फायदा दिया है, मतलब 100 में से 70 तो फेंकवा ही दिया ताकि 30 बचा है। अभी 30 से ना एकदम प्रेशियस, मतलब एकदम ज्यादा अच्छे प्राइस क्यों लगते हैं, क्योंकि सेंटर के है ना एकदम,
और उसमें अगर एसएससी का प्राइस फिट हो जावे ना तो उसका प्राइस सच्चा ही है, फिर वो शक वर्दी प्राइस नहीं है, ट्रस्ट वर्दी प्राइस है। लेकिन अगर उस सेंट्रल रेंज में नहीं बैठा तो लफड़े वाला प्राइस है। तो हम लोग उसका भी एकदम मिड पॉइंट निकालते हैं, विच इज मीडियन, उसका मिड पॉइंट ही है ना मीडियन। अभी भी कुछ चीजों का राज बताना बाकी है, लेकिन पहले मोटा मोटी समझाइए, इसी के ऊपर बात करते पहले, अभी डाउट आएगा। सर समझा, बट वाई 35th ओनली? हाँ तो वो एक और दूसरा चॉइस दे लो, चलो चलो 30th परसेंटाइल लेते। ओके, लॉ बदलना अपने हाथ में नहीं है, लेकिन एक बार के लिए मान लो ना कि 35th के बदले अगर ये 30th परसेंटाइल होता तो ठीक है, मतलब मेथड में ये 30% निकाल लेते, लेकिन ये 30th होता तो 70th होता। अरे कल को मान लो लॉ में अमेंडमेंट आ जावे और इसको 35th का 30th कर देवे, सुनो ना मैं रिपरकशन बताना चाह रहा हूँ, ये 30th होता है, इसको 70 करना पड़ता है, क्योंकि परसेंटेज परसेंट सेंट 100 होता है, तो ये 30 तो 70, तो क्या होता, देखो 100 प्राइजों में थे, 100 पहले वाले 30 को फेंक दिया, 30 को, और ऊपर से भी 30 को ही फेंका, 30 मतलब 60 को फेंक दिया। अरे समझा कि नहीं, छोटे छोटे 30 को फेंका, बड़े बड़े 30 को फेंका, 30 को फेंके तो 70 बचेंगे ना, तो 30 और 30 कितने फेंक दिए, 60 फेंक दिए, मतलब बचे 40। मतलब पब्लिक को बहुत बड़ी रेंज मिल जाती ना, पब्लिक को कुछ ज्यादा फायदा मिल जाता। फायदा कैसे मिलता बताओ? अरे मतलब हमने तो खाली इधर से 30 फेंके, इधर से 30 फेंके, तो 60 फेंके, मतलब 40 प्राइजेस के अंदर तो मेरा फिट होना इजी हो जाता ना यार। अरे 40 इजीली फिट हो जाता, मतलब पब्लिक को फायदा मिल जाता। इससे गवर्नमेंट ने बोला देखो इतनी बड़ी रेंज नहीं मिलेगी। अरे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, 30th और 70th परसेंटाइल में पब्लिक को रेंज बड़ा मिल जाता है। दिमाग लड़ाओ ना, मेरे को होता 20th परसेंटाइल रखा होता तो इधर से 20 निकाला, ऊपर से भी 20 निकाला, 40 ही निकाला, तो बीच का 60 बचा, तो ये तो और भी बड़ी रेंज मिल जाती। इसे लॉ को क्या लगा कि चलो 100 में से बीच का 30 ये रेंज अप्रोप्रिएट है, मतलब एकदम ज्यादा बड़ा रेंज भी तो नहीं देना चाहिए, क्योंकि आखिर है तो चीटर लोग ही। इस इन शॉर्ट कहने का मतलब कोई ये पूछे ना सर 35th क्यों, ये इनकम टैक्स वाले का कॉल है। अब मेरी मर्जी ना, मुझे तुमको कितना कंफर्ट देना है, मुझे तुमको खाली बीच के 30 का रेंज देना था, तो मेरी मर्जी। हाँ ठीक है, कल को तुम फाइनेंस मिनिस्टर बनोगे तो चेंज कर देना, लेकिन कुछ ना कुछ तो लेके चलना पड़ता ना। सो इसने 35th क्यों उसको पकड़ के नहीं बैठने का, फीलिंग समझो लॉ की। लॉ क्या बोल रहा है, एक्सट्रीम्स को हटाना है पहले, एक्सट्रीमली लो एक्सट्रीमली हाई को फेंक दो तो बीच का सेंटर मिलता है, ये बीच का सेंटर ही तो था, और वो सेंटर के अंदर तुम्हारा प्राइस है तो ठीक है, हमको भी झगड़ा नहीं करना है भाई तेरे से, तू सच्चा है, लेकिन तू उस इतनी बड़ी रेंज में भी फिट नहीं हो रहा है, मतलब लफड़ेबाज आदमी है, फिर तो हम लोग इसका भी एक सेंटर पॉइंट ढूंढेंगे। ओके, अभी हिम्मत है तो मेरे को ये बताओ, ये क्या मगजमारी थी? अच्छा खासा फोर्थ आया था, अपने कभी भी कैलसी में राउंड फिगर आता कितनी खुशी की लहर आती है, लेकिन इधर टेंशन आ गया था। अरे फोर राउंड फिगर है यार, होल नंबर आके टेंशन आ गया, पॉइंट देके डरते पब्लिक, तो मतलब ये क्या नाटक था इधर। क्योंकि सी अगर मैं फोर्थ को ही नहीं, फोर्थ आया ना तो फोर्थ बस, तो मैं ये देखो फोर्थ को ही पकड़ लेता ना, ये देखो फोर्थ था, फोर्थ तो उसके सामने क्या है 12, ये एग्जैक्ट सेंटर नहीं है ना, अपने को सेंटर पॉइंट ढूंढना है। मीडियन इज अ प्राइस एट द सेंटर मोस्ट पोजिशन, बहुत कीमती सेंटेंस फील करो, मीडियन इज अ प्राइस एट सेंटर मोस्ट पोजिशन। सेंटर में जैसे देखो, ये देखो लाइन में 8 लोग खड़े, ये 8 उंगलियां दिख रही है कि नहीं, चारों चार 8, मेरे को होता बीच में कौन खड़ा एकदम सेंटर में, ये बीच वाला है, हाँ बीच में मैं खड़ा हूँ, इन उंगलियों में से बताओ, तो ये बताओ एकदम सेंटर मोस्ट फिंगर ये सेंटर है, सेंटर समझता नहीं है। ओके, अगर ये सेंटर होता तो दोनों साइड इक्वली बचता ना, इधर 3 बची उंगलियां देखो, अरे देखो मेरे हाथ दुख रहे, इधर 3, इधर 4 बचा, तो सेंटर कैसे हो गया, तो ये सेंटर नहीं है, इसको सेंटर बोल सकते हो, ये भी सेंटर नहीं है,
तो मतलब फिर क्या करें? तो ये देखो सेंटर क्या होगा, इन दोनों का भी मिड पॉइंट, ये रहा देखो है ना मेरे पास ये देखो ये सेंटर, ये देख रहे थम्स दिख रहे, कैन यू सी माय थम्स, ये सेंटर है। मतलब ना चौथा वाला, प्लीज देखो ना, ना चौथी वाली फिंगर ना पांचवी वाली फिंगर, चौथी और पांचवी के बीच वाली है, मतलब एवरेज हो गया ना ये। पर ये था साढ़े चारवा। लेकिन पता है दिक्कत क्यों आ रही है? इवन डेटा था। अरे डेटा इवन था, अरे इवन डेटा इसलिए ना, अगर ऑड डेटा होता है तो जैसे मान लो सात प्राइजेस होते हैं, सात, तो इसका सेंटर मिल गया ये रहा देखो, देखो ना इधर तीन बचे ना, सेवन होता तो इजी लिख, क्योंकि निकालो सेवन का 50% निकालो, एक दो तीन चार पांच छ सात, अगर ये सेवन होता तो 50% कितना हो गया 3.5, तो 3.5 मतलब नेक्स्ट होल नंबर 4, तो ये देखो 1 2 3 4, ये देखो ये, एंड यही है परफेक्ट सेंटर है ना, परफेक्ट आ रहा है कि, क्योंकि इधर तीन है इधर तीन है। मतलब इन शॉर्ट क्या होता है, कभी भी ऑड वाला डेटा होता है ना तो उसका सेंटर इजीली मिल जाता है, क्योंकि सेंटर कोई एक होगा तो इक्वली बढ़ जाएंगे ना। लेकिन इवन डेटा में तकलीफ क्या होती है कि सेंटर नहीं मिल पाता, इसे ठीक है जो भी मिलता है वो तो ले लो, फिर वो और अगला उसका मिड पॉइंट मतलब उसका एवरेज, इसके लिए अपने को ये करना पड़ा। आइडिया क्या था, अपने को एग्जैक्टली सेंट्रल मोस्ट प्राइस चाहिए था, मतलब ना ट्वेल्थ ना 14, उनके भी बीच में क्या है 13, और मीडियन इज द सेंटर मोस्ट प्राइस। और पता है इतना सब होने के बाद ही बच्चों को डाउट आता है, आयुषी कमो हिम्मत रखो, डाउट क्या था ना मैं कि सर इतना मगजमारी क्यों करे, जो 13 आपने इतनी मेहनत से निकाला ना, अपने क्या इन सबको ऐड करके डिवाइड बाय 8 करते ना तो भी आ जाता, करके देख लो, तो करो ना, करो तो सही, अरे इन सबको ऐड करो, भरोसा कर लो, मैं बोल रहा हूँ ना यार कर दो चेक करना, तो ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये सबको ऐड करेंगे और डिवाइडेड बाय 8, अरे अरिथमेटिक मीन, तो इन सबको ऐड करके डिवाइड बाय 8 करूंगा तो वैसे भी 13 आ जाएगा। तो ये क्या सब नाटक लगा लगा मैंने, 4 आया ये मेरा एग्जाम्पल ऐसा था कि हर प्राइस में दो दो का फर्क आ रहा, देखो 6 से 8 दो का फर्क, ये देखो दो दो से बढ़ रहा था, ये काटा लेकिन दिख रहा है ना 6 8 10 12 14, अरे दो दो का ही फर्क है, तो मैंने इवनली अरेंज किया था सब दो दो के डिफरेंस पे, लेकिन रियलिटी ऐसे नहीं होती ना। मेरे एग्जाम्पल में इट इज पॉसिबल के तुम लोग इन सबको ऐड करके डिवाइड बाय 8 करो, मतलब वो बोलते ना क्या बोलते उसको, एरिथमेटिक मीन निकालो तो भी 13, मीडियन निकालो तो भी 13, लेकिन ऐसा नहीं होता है, मीन और मीडियन में फर्क है। कैन यू टेल मी एक्चुअली दोनों में फर्क क्या है? ये देखो ये थोड़ी कॉन्सेप्चुअल चीज समझ नहीं पड़ेगा, मीन भी एवरेज है मीडियन भी एवरेज है, लेकिन कैन यू एक्सप्लेन दोनों में फर्क क्या है? मीडियन इज अ पोजिशनल एवरेज, पोजिशन से वो इंपॉर्टेंस गेन करता है और मीन वैल्यू से करता है। जैसे ये देखो 100 110 600, देखो ना एक बार इसका एक बार मीन निकालो, ऐसे निकालो ना कैलसी पे, अरे सबको ऐड करे डिवाइड बाय 3 करो, अरे ये सबको ऐड करे डिवाइड बाय 3 क्या है 270, क्योंकि मीन की थिंकिंग क्या है, अरे इधर 600 भी है तो इधर 100 भी है, मतलब सबका वट पड़ता है ना यार, तो सब वैल्यू को इम्पोर्टेंस दिया, ये 100 है तो 600, मतलब वैल्यूज को ऐड करके डिवाइड बाय 3 कितना आ गया 270, ये मीन का आंसर था मीन। लेकिन मीडियन क्या बोलता है, वैल्यू को पोजिशन, बीच में कौन खड़ा है, तीन बच्चे खड़े हैं लाइन में, बीच में कौन है, बीच में ये है ना, तो ये हीरो हो गया, बस ये मीडियन है 110। मतलब मेरे एग्जाम्पल में लगे मीडियन तो पागल है, मेरे एग्जाम्पल में तुम लोगों को मीडियन पागल जैसा लगे, क्यों? क्योंकि अरे क्या 110 का अप्रोप्रिएट यार, इधर 600 भी तो है,
लेकिन क्या है, वो छोटे डेटा में ऐसा होता है ना, लेकिन जब बहुत बड़ा डेटा होता है ना, तो गवर्नमेंट है ना मीडियन को इम्पोर्टेंस देती है। और पता है, ये भी मेरा थोड़ा वियर्ड एग्जांपल था कि हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, प्राइजेस की। ये सब क्या था ना, अनरिलेटेड पार्टी से ट्रांजेक्शन हुआ है। इतना कोई होगा किसी से 110 में करे, किसी को 600 में। अरे इतना, अरे धंधे में ऐसा होता है, मतलब कोई सप्लायर से मैं 110 में खरीदता हूँ, किसी से 100 में खरीदता हूँ भी समझता है, खरीद के परचेज है ना, और किसी से 600 में खरीद रहा हूँ। एकदम हाइपर एग्जाम्पल है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। मैं तो ऐसा क्यों किया, मुझे तुमको एक मेरी फीलिंग बतानी थी कि मीन भाई साहब कैसे है। मीन भाई साहब वो तो वैल्यूज को महत्व देते, 600-100 वैल्यूज को एवरेज आउट कर रहा है, लेकिन मीडियन है ना अपनी पोजिशन से जगह लेता है। सेंटर में कौन खड़ा है, तुम लोग है, मैं बीच में खड़ा, वो राजा है बस। जैसे ये सेंटर में खड़ा है, उस कारण से राज कर रहा है, मतलब मीडियन 110 हो गया। Although in my example, median looks very defective, but ऐसा होगा भी नहीं ना यार, real life में क्या होगा, मतलब ये 110 है तो ये कुछ 112 जैसा कुछ होगा, बट फिर भी थोड़ा बहुत फर्क आ सकता है ना। लेकिन ठीक है, मीडियन अपनी जगह पे हीरो है, लेकिन वो बहुत ज्यादा वेरिएशन होता है। तो इसलिए लॉ ने क्या बोला, देखो थोड़ी बहुत वेराइटीज है ना, तो देखो मीन ही मेन होता है। लेस देन 6 वेराइटीज है तो ये लोग मेन को इम्पोर्टेंस देते क्योंकि वो मेन है। लेकिन कभी कभी तो क्या 15-15, 16-16 वेराइटी आ गया, तो अभी मीन मीन नहीं, फिर उसमें मीडियन कॉन्सेप्ट फॉलो किया है। और मीडियन में जो सेंटर में पोजिशन, तभी तो अपने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया ना, तब मालूम पड़ता है एकदम बीच में कौन आया। वो उसका क्या कहना है मालूम है, ऐसे $12 में ट्रांजेक्शन है ना लाखों लोग से हुआ है, और ये 16 में तो एकाध जन से ऐसा ट्रांजेक्शन हुआ था। अरे मतलब उसका क्या कहना है, $12 वाला ट्रांजेक्शन प्राइस है ना, परचेज किया मतलब $12 मैंने बहुत लोग से 12 में ही खरीदा है, मतलब मेजोरिटी लोग से 12 में ही खरीदा है, एक आध लोग से 16 में खरीदा, तो 16 का थोड़ा वट कम हो जाता ना। मतलब ऐसे डीपली सोचते हैं तो वेटेड, इसके लिए तो वेटेड एवरेज होता ना। लेकिन लॉ ने क्या बोला, देखो भाई हमको उतना कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, क्योंकि बियॉन्ड पर्टिकुलर एक्सटेंट दीज आर ऑल एस्टिमेशंस, वी आर ट्राइंग टू एस्टिमेट के ऑन एन एवरेज दिस इज अप्रोप्रिएट, बट यू आर शोइंग मोर, यू आर चीटर। इससे इधर करना चाहे तो लॉ कर सकती थी, लेकिन कॉम्प्लिकेट नहीं करना था। इसलिए इसे वेटेज वाला कॉन्सेप्ट नहीं, इधर स्ट्रेट मीन या स्ट्रेट मीडियम, वो तो मीन में भी हो सकता था। मैंने जो 4 वेराइटी बताई ना, मतलब वो जैसे था 150-110, वो कोई बोले 115 वाले बहुत ट्रांजेक्शन थे, 110 वाले कम है, तो उधर भी वेटेड हो सकता था। वेटेड मीन होता है ना, वेटेड एवरेज, लेकिन वो सब नहीं करना। इन शॉर्ट, डोंट थिंक इन लाइन्स ऑफ वेट्स, बिकॉज नथिंग लाइक दैट इज गिवन इन द लॉ। कंक्लूजन बताओ, मीडियन कैसे निकालना बताओ। मैं बोलता है वैसे बोलो भाई, कभी भी 6 और मोर वेराइटीज हुआ बोल के खत्म करो ना, 6 और मोर वेराइटीज हुआ तो फर्स्ट अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, सो दैट वी हैव लोएस्ट से हाईएस्ट, एंड देन वॉट यू हैव टू डू, वी हैव टू रिमूव, क्या बोला, रिमूव द एक्सट्रीम्स, मतलब वी हैव टू रिमूव द लोएस्ट एंड द हाईएस्ट। और उसके लिए वर्किंग क्या करना पड़ता है, 35th and 65th percentile, मतलब वो एक तरह से बाउंड्री बन जाता है। 35th and 65th जो बाउंड्री बन गया ना, फिर बाउंड्री के इस तरफ बहुत छोटे छोटे लोग, तुम लोग निकलो, तुम लोग कुछ ज्यादा ही बड़े हो, तुम लोग भी निकलो, तुम्हारा काम नहीं है, अपने को सेंटर वाले लोग चाहिए। तो ये बाउंड्री बनाने के लिए अपने को ये दो निकालना पड़ा। और ये निकालने का रूल क्या है, पॉइंट्स में आया तो अच्छी बात है, नेक्स्ट नंबर लेके सीधा सीधा जो मैच हो रहा है फिगर वो ले लो। लेकिन अगर ये भी पॉइंट में नहीं आया, जैसे एग्जैक्ट 2 होता है, अरे 2.8 नहीं होता, अगर ये एग्जैक्ट 2 होता तो सेकेंड वाला एंड थर्ड वाले प्राइस को एवरेज आउट करना पड़ता। लेकिन एक बात बताओ, 99.9% पॉइंट में आएगा, क्यों बताओ। अबे क्वेश्चन में जैसे मैंने 8 लिए है, क्वेश्चन में क्या इन लोग 9 प्राइस डालेंगे, 10 डालेंगे, 15 डालेंगे, मतलब बहुत ज्यादा डालेंगे तब जाके राउंड फिगर आ सकता है। ओके 20 डाला, चलो 20 प्राइस ही डाला, तभी 35% उसका 7 आ सकता है। लेकिन इतना बड़ा सम नहीं बनाते इन लोग, अरे 20-20 प्राइस देंगे बच्चों को थोड़ी, उधर 100 मार्क एक ही पेपर सॉल्व कराना। तो यूजुअली नहीं, कंसिडरिंग द क्वेश्चन, इन लोग क्या है 7-8-9-10 प्राइस जितने देते हैं, तो उसमें तो अपना ये दोनों पॉइंट्स में ही आता है।
बट फिर भी मान लो चलो एग्जैक्ट नंबर भी आ गया ना होल नंबर, तो अपना स्ट्रेटेजी वही ऐसा टाइप वाला, वो वाला है अगले वाले का एवरेज। तो फिर ये 35th आ गया, 65th आ गया, उससे बाउंड्री बन गई, फिर छोटे छोटे फेंक दिए, बड़े बड़े फेंक दिए, फिर क्या करना चाहिए? ये तुरंत मत निकालना मीडियन, पहले यू हैव टू चेक आउट, व्हाट यू हैव टू चेक आउट, कि एक्चुअल प्राइस इफ इट फॉल्स इन द रेंज देन इट इज प्रॉपर प्राइस। फिर तुरंत कंक्लूजन मार दो क्या, कि सिंस द प्राइस फॉल्स इन द रेंज, प्राइस डिक्लेयर्ड बाय द असेसर इज एक्सेप्टेड, नो नीड टू कंप्यूट एएलपी, एएलपी गोज टू बाय ऑल भी नहीं, निकालना ही नहीं है, क्यों निकालू, हो गया ना इसके अंदर। अब पता है इसलिए टॉलरेंस बैंड की तो जरूरत नहीं है, टॉलरेंस बैंड का बाप है, इतने बड़ी रेंज में से तू फिट हो रहा है तो तेरा प्राइस चला रहे, तो हो गया ना खत्म। हाँ, अगर इसके अंदर फिट नहीं हुआ, सी मुझे तो तुमको पढ़ाना था, इसलिए मैंने जानबूझ के एग्जांपल कैसा लिया, आउट ऑफ रेंज वाला, नहीं तो अगर मैं एग्जांपल ऐसा लेता कैसा इसके अंदर फिट हो तो सम खत्म, फिर आगे क्या पढ़ा पाता मैं। तो बच्चों को पढ़ाने के लिए तो ऐसा ही लेना पड़ता है कि आउट ऑफ रेंज है, एंड फिर आउट ऑफ रेंज है तो देन वी हैव टू फाइंड आउट दी मीडियन, फिर वो इसका भी एक्चुअली सेंटर ही होता है, लेकिन मेरे एग्जाम्पल में फटफट आंसर आ जाता है, एग्जाम में आड़ा टेढ़ा फिगर आएगा तो मेहनत करना पड़ता है, 50% निकालो, फिर ये तो क्या है, या तो 0.5 आएगा या एग्जैक्ट आएगा, बराबर ना यार, मीडियन तो 50% है ना, 50% की कभी भी निकालोगे या तो होल नंबर आएगा या समथिंग 0.5, तो अगर पॉइंट में आ रहा है तो नेक्स्ट नंबर लेके सल्टा दो, फिर तो सामने जो मैच हो रहा है वही, लेकिन एग्जैक्ट आ गया होल नंबर देन वो एंड अगले वाले का एवरेज, सो डेट वी कम एट द सेंटर पॉइंट, ये था ना, ये मिडल नहीं निकल रहा था तो मिडल वाला ही होता है, दोनों का एवरेज निकाल के इसे बस, फिर इसके बाद कंक्लूजन डाल देना चाहिए, खत्म। तो ये क्या था, कॉन्सेप्ट ऑफ मीडियन।